हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी 6.3 का लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो कहता है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस। मीडियन के बारे में आप जो जानते हैं, जो मीडियन है ट्रायंगल के अंदर, तीन मीडियंस हो सकते हैं, यहाँ तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसे हम सेंट्रॉयड कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रॉयड है वो उस साइड से उस मीडियन को 1:2:1 के रेशो में बांटता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। और कोऑर्डिनेट में इसके बारे में और कुछ बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर रिस्पेक्टली, वेयर एबीसी और पीक्यू आर क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। यदि सिमिलर हैं तो इसका मतलब टोटल ट्रायंगल के अंदर, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मिला के ट्रायंगल्स के अंदर एबीसी पार्ट्स हैं, वो सिक्स पार्ट्स को ट्रायंगल पीक्यू आर के क्या है बच्चों, सिमिलर हैं, इक्वल हैं। एक तो साइड्स उसकी प्रोपोर्शनल में हैं और एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। अब बच्चों जो हमें करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब प्रथम क्वेश्चन राइज होता है कि ये साइड हमें प्रोपोर्शन प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ राइज ये होता है कि अब हम कौन से दो ट्रायंगल्स और सिमिलर प्रूफ करें। एक ऑलरेडी बड़े वाला ट्रायंगल तो सिमिलर दे रखा है, अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए जाएं। तो अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर ए डी और पी एम क्या कह रहा है बच्चों, मीडियन है। ए डी और पी एम क्या कह रहा है, मीडियन। तो इसका मतलब वो छोटा सा, उसको अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी अदरवाइज। तो जब भी आप क्वेश्चन करें आपने एनालाइज करना है, सोचना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एबीसी और पीक्यू आर दो क्या रखे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब आप लिखना दीजिए कि एबीसी और पीक्यू आर जब सिमिलर दे रखे हैं तो इसको मैं बना देता हूँ। तो ये ए, ये बी, ये सी, और इसी तरह एक और ट्रायंगल है पीक्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या गिवन दे रखे थे, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर दे रखे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल ए जो है किसके इक्वल है, वेरी गुड, और एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों, वेरी गुड, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी नहीं, एंगल आर, वेरी गुड। और इसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो वो अपने आप ही मैच कर रखे हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि इसके पहले दो वर्टिसेस लिए हमने ए बी, तो दूसरे ट्रायंगल की भी क्या लेने पड़ेंगे, दो वर्टिसेस। और जब तीन चीज़ों के बीच में रेशियो ली जाती है तो दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बी सी, यहाँ पर क्या है क्यू आर, और उसके बाद क्या होगा ए सी अपॉन पी आर। ये चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और अब बच्चों जो मुझे प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, इधर देखो बच्चों, टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये बच्चों ये मीडियन गिरा दिया, ये ए डी मीडियन है, और इसको इस तरह गिरा देते हैं ताकि आपको याद रहे। और ये क्या है बच्चों, पी एम, ये दो मीडियंस हैं, क्या बच्चों, ये दो मीडियंस। अब सोच कैसे किया जाए। अब इधर देखो, ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स। अब कई बच्चे सोचते हैं कि मीडियन जो होता है 90 डिग्री भी होता है, ऐसा नहीं है, वो बात नहीं हो सकती। अब ए बी और पी क्यू जो हैं आपस में क्या है बच्चों, प्रोपोर्शन में हैं। और इधर हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन पी एम, क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन पी एम। तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो नज़र आ रहा है, जो प्रूविंग वाली बात से नज़र आ रहा है, अब मुझे जो प्रूफ करना है उसके अंदर मेरे पास टारगेट क्या होना चाहिए कि ट्रायंगल ए बी डी मस्ट बी, ये किसके सिमिलर होना चाहिए, पी क्यू एम के। अब कैसे प्रूव किया जाए, सोचने वाली बात जी है, कैसे हो सकता है। तो बच्चों एक बात मालूम है, जब हम मीडियन कराते हैं, जिस साइड पे मीडियन कराया जाता है वो साइड को क्या कर देता है, उसका हाफ कर देता है, क्या करता था, उस साइड को आधा कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि बी डी जो है वो हाफ हो बी सी है, ये बात समझ आती है। इसी तरह क्यू आर, क्यू एम वो किसका हाफ है बच्चों, हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। इसका मतलब यदि बी डी आपका सपोज 3 है तो डी सी भी कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अरे बच्चों समझ जानी, तो यहाँ तक जी हम आगे समझ आ गई। अब बच्चों जो हमें गिवन था उस गिवन के अंदर हम रख देते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर था। तो आप बताओ बेटा इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस बी डी रख सकता हूँ या नहीं रख सकता बी सी की जगह, ठीक है। और क्यू आर की जगह क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस क्यू एम, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम,
तो ये बात समझ आएगी बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक बात और भी समझ आ रही है, हमें सिमिलर भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना सिमिलर के ही प्रूफ हो गया, क्योंकि जो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन थे तो उसके बारे में तो आपको पता चल ही रहा है कि उसके अंदर तीन एंगल्स और तीनों साइड्स क्या थी, आपस में प्रोपोर्शन में थी, और जो साइड प्रोपोर्शन में थी BC का क्या रख दिया हमने, ट्वाइस ऑफ BD। क्यों रख दिया, क्योंकि मीडियन जो है BC को आधे हिस्से में डिवाइड कर, यदि BC 20 है तो BD आपका 10 हो जाएगा और DC भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी तरह PM जो है वो भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, QM भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। तो जो हमारे पास रेशियो थी वहाँ पर हमने ट्वाइस BD और ट्वाइस QM रख दिया, 2-2 कैंसिल हो गया, तो क्या गया BC/QM आ गया। तो यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर, वो भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके अंदर सबसे पहले एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, ये 3-4 स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम तो आपकी बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, और दूसरी थ्योरम जो है अब हम करने जा रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, तो इस ऐसे प्रूफ करेंगे, अब बच्चे मुझे बताएंगे और हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इस ये थ्योरम आपको कभी भी पूछी जाए तो आपको ये आनी चाहिए कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में से उसकी एप्लीकेशन करेंगे, और वो एप्लीकेशन भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट कहता है बताओ, और ये स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों, ये बच्चों हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, एरिया, ठीक है बच्चों, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। यहां पर एरिया की बात कर रहा है, तो इस थ्योरम को आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एनालिसिस बताता हूँ आपको। तो आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है का मतलब क्या होता है, तो इफ वाले पार्ट के साथ दिया होता है, और एक क्लेम करना होता है, असर्शन होती है। तो इसके अंदर क्या असर्शन है, उसके अंदर ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हों और वो साथ में क्या हों, सिमिलर भी हों, तो जो उनका एरिया है वो उनके साइड ऑफ द स्क्वायर्स के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये असर्शन है कि एरिया की जो रेशियो होगी वो उनके साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है जो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, यदि रेशियो में रखते हैं तो उनके साइड के स्क्वायर्स के इक्वल। अब इस बात को बच्चों हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ किया जाएगा इसको अब हम देखते हैं बच्चों। ये बच्चों दो ट्रायंगल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया और दूसरा ट्रायंगल आप बताओ बच्चों क्या लिया जाए, ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया, PQR। यहां तक बात समझ आती है नहीं आती, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो यहां तक? ठीक है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अब सिमिलर हैं दो ट्रायंगल्स, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है निहारिका, कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के। यदि ये एंगल X के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, X। वैसे तो P नज़र आ ही रहा है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंगल B किसके इक्वल होगा बच्चों, Q। और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R। ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे पास गिवन है। ठीक है, और AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR। ये तीनों साइड्स भी क्या होंगे बच्चों, आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। तीनों साइड्स भी क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन में। समझ गए जी। अब जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इधर देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो लेनी है उसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ आ रहा है
निहारिका, ये किसके इक्वल होगा? उनकी साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो सकता है, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, और एक होगा ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये तीन ही रेशो हो सकती हैं, क्योंकि ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं, तीन। यहाँ पर तीन वर्टिसेस हैं, तो यदि मैं कहता हूँ इस रूम के अंदर तीन बंदे हैं, तो उनके बीच में कितने हैंडशेक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो तीनों रिलेशंस आ गए। तो ये बच्चों, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। अब एक ट्रायंगल के अंदर मालूम कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इन परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोचो, विचार करो, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों, जब एरिया की बात आ रही है, तो उसके अंदर हमें बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो हाइट चाहिए, तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर करा दिया, कौन सा परपेंडिकुलर करा दिया जी, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए डी, और इसका नाम क्या रख दिया, क्या रख दिया, पी एम। ये मीडियन नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जी एंगल भी बच्चों क्या होगा, 90। लीनियर पेयर से ये भी क्या होगा, 90। ये इधर भी क्या बच्चों, 90, और ये भी क्या बच्चों, 90। बात आई बच्चों समझ, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा क्लेम है। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की बच्चों, कंस्ट्रक्शन हमें कैसे नज़र आई बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन करनी है, वो हमें ये नज़र आई, क्योंकि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस हमने नीचे वाली साइड मान ली, जो आपको मालूम है, और यहाँ पर हीरोन फार्मूला तो लग ही नहीं सकता एरिया निकालने के लिए, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन नहीं है, तो वो तो एलजेब्रा लग जाएगा, तो वो हम आपको सिखाएंगे 11th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि ए डी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्यू आर, समझ आ रही है बच्चों। अब बच्चों ट्रायंगल ले लेते हैं, तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो क्या कंस्ट्रक्शन हुई बच्चों, ए डी, मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर को इस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए डी परपेंडिकुलर और पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ए डी परपेंडिकुलर बी सी और पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, क्लियर और नॉट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो अब आप लोग मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या ख्याल है निहारिका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बताओ क्या हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस तीन बन सकते हैं, जो तीनों साइड हैं वो बेस, तो यहाँ पर सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर कराया जा सकता था और ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर कराया जा सकता था, हमने एक ही लिया अभी, ठीक है। यदि मैं सी के ऊपर परपेंडिकुलर कराऊंगा तो मेरे को ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला, और यदि मैं बी सी के ऊपर कराऊंगा तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और यदि ए सी के ऊपर कराते तो ये वाला मिलता, ठीक है, और साथ में कोरस्पॉन्डिंग उसी साइड पर दूसरे वाले ट्रायंगल कराना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हम एक पार्ट प्रूव करेंगे, बाकी पार्ट को हम कहेंगे सिमिलर वी कैन प्रूव इट, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब हमारे परपेंडिकुलर भी आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है बच्चों, बी सी, और वो क्या है, ए डी, और इसी तरह यहाँ पर क्या है हाफ, और ये क्या है क्यू आर इंटू पी एम, तो हाफ से हाफ चला गया बच्चों, समझ आई बात बच्चों। अब बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, बी सी का होल स्क्वायर अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर प्रूव करना है, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब ए डी और पी एम जो होना चाहिए वो एलिमिनेट होना चाहिए, या ए डी अपॉन पी एम जो है रिप्लेस होना चाहिए किससे, बी सी अपॉन क्यू आर से। अब वो कैसे होगा ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ए डी किसकी जगह रिप्लेस होना चाहिए बच्चों, ए डी अपॉन पी एम किससे रिप्लेस होना चाहिए, बी सी अपॉन क्यू आर से। तो अब ये कैसे सोचा जाए, कैसे किया जाए, तो अब आप बच्चों में से मुझे कोई बता सकता है कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ये पक्की बात है, तो अब हमें कुछ और, वो तो सिमिलर दिए हुए हैं। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, बच्चा सोच रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स के बच्चे में बच्चों सिमिलर नज़र आ रहे हैं, सिमिलर कैसे नज़र आ रहे हैं, एक बच्चों एंगल 90 डिग्री नज़र आ रहा है और एंगल बी और एंगल क्यू जो हैं वो क्या आपस में इक्वल। तो अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, क्यों, क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या थे, इक्वल, ये हमें गिवन था। और उसके बाद ए डी एम और पी एम क्यू, ईच एंगल क्या है बच्चों, 90, ईच एंगल क्या है 90,
तो ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर आए वो किस क्राइटेरिया से आए बच्चों? ए से सिमिलर आए। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? अब बच्चों आपको ये मालूम है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर आ गए तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बात समझ आई? ए बी अपॉन पी क्यू, और उसके अलावा बी डी अपॉन क्यू एम, और उसके अलावा ए डी अपॉन पी एम। यहाँ तक ये बात समझ आती है? नहीं आती? क्लियर है निहारिका? वेरी वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया छोटे वालों को। ठीक है, बाकी जब हमने परपेंडिकुलर करा दिया था तो दो ट्रायंगल बन गए थे, तो उसमें से एक छोटे वाला जो ट्रायंगल है उनको हमने क्या प्रूफ कर दिया? सिमिलर। एक एंगल 90 था और एक एंगल क्या था? कॉमन, जो हमें सिमिलरिटी से गिवन था। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन पी एम की जगह हमें रिप्लेस करना था बी सी बाई क्यू आर। तो इधर देखो बच्चों, ये अभी आपने किया हुआ था ए बी बाई पी क्यू। इधर देखो बच्चों, ए बी बाई पी क्यू की जगह मैं ए डी बाई पी एम रिप्लेस कर सकता हूँ इस वाली इक्वेशन में या नहीं? और इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। इस वाली इक्वेशन में बच्चों मैंने ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? ए डी बाई पी एम। अब ए डी बाई पी एम को मैं क्या प्रूफ रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों? इधर देखो, बी सी अपॉन क्यू आर, और इसकी जगह भी ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? बी सी अपॉन क्यू आर। इसको नाम दे दो फर्स्ट, फर्स्ट से। तो ये बात समझ आई? तो ये हमारा हो गया बी सी का होल स्क्वायर अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, एक पार्ट प्रूफ हुआ है। और मैथमेटिक्स में हम इसको लिखते इस तरह हैं बच्चों, सिमिलरली तीन बार निशान डालते हैं और एल वाई। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, और ये तो सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। वो प्रूफ कब होंगे? जब मैं बी कुछ परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर कराऊंगा, क्यू से परपेंडिकुलर पी आर के ऊपर कराऊंगा, तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों? ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और जब मैं आर से परपेंडिकुलर कराऊंगा तो वो आ जाएगा। तो वहाँ पर टाइम देखते हुए आपने लिखना है और बाकी सिमिलरिटी कर देनी है। ठीक है, रिजल्ट जो है हमारे पास बहुत से काम हैं, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके जो प्रूफ्स हैं 100 प्रूफ हो सकते हैं, उसमें से एक एरिया के साथ रिलेटेड भी हम उसका प्रूफ कर सकते हैं। समझ आई बात बच्चों? एक बार फिर इसको देते हैं। वो कहता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल। हमें सिमिलर दिए हुए हैं तो उनकी जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? उनके साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होगा। साइड के स्क्वायर के इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होगा, साइड के स्क्वायर्स के। तो बात आई समझ? और पहली बात यह है कि जो आप पहले प्रूव करते थे ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर हैं, तो उनकी साइड प्रोपोर्शन थी, यहां पर एरिया की बात की गई है। तो एरिया का मतलब क्या है? उनकी साइड के स्क्वायर्स के इक्वल। और जब एरिया निकालते हैं तो वो 2 डिग्री के अंदर होता है। किसके अंदर? डिग्री के अंदर। ठीक है, जब भी आपको कहा जाता है कि एक ट्रायंगल की साइड 2 मीटर है और हाइट इतनी है, तो वहाँ क्या लिखते हो? मीटर स्क्वायर लिखते हो, नहीं लिखते? तो अब हमें प्रूव करना था बच्चों, जो हमें गिवन था उससे जे एक रिजल्ट ये आ गया और तीन रिजल्ट ये आ गए, तीनों साइड प्रोपोर्शन में, तीनों एंगल्स इक्वल। अब एरिया प्रूव करना था। एरिया के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन से गिरा लिया। और परपेंडिकुलर गिराने के बाद अब हमने देखा हाफ ऑफ कैंसिल हो गया। अब ए डी बाई पी एम किससे रिप्लेस होना चाहिए? बी सी बाई क्यू आर से। तो अब इसके लिए हमने दो छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, एक जी वाला ट्रायंगल लिया और एक जी वाला ट्रायंगल लिया। ये दोनों हमें देखते ही समझ आ रहे हैं कि ये सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? एक एंगल 90 है और उसका इसका एंगल भी क्या है बच्चों? कॉमन है, तो सिमिलर हो गए। तो उनकी साइड भी क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। तो उसके अंदर ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैंने इस जो इक्वेशन मुझे रिजल्ट गिवन था उसको मैंने बी सी बाई क्यू आर से रिप्लेस कर, और इधर भी मैंने बी सी बाई क्यू आर से रिप्लेस कर दिया। बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू एम का स्क्वायर। अब बच्चों ये एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया, बाकी ये दो और प्रूव करने थे। तो सिमिलरली हमने लिख दिया कि यदि यहाँ से हम बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर कराते और इसी तरह प्रोसीजर चलते तो इसके अंदर ये वाला रिजल्ट आया था। यदि आर से पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर कराते, सी से ए